चूल्हा पर बहुत बढ़िया बनता है, धीरे आँच कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बन जाता है। ये परसों के दिन जमाया था, ये इस तरीके से हो जाता है, आप देख लीजिए। मतलब पूरा अंदर तक जमा हुआ है ना? जमा हुआ है। 5 किलो बनाते हैं, 5 किलो में हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब जिसको 1 किलो चाहिए तो 1 किलो भी मिल जाएगा उसको। गोडों में दर्द होते हैं, जोड़ों में, तो इनसे हल्दी से क्या जुड़ जाता है। सारे 300 ग्राम हल्दी है अंकल? हाँ सर। मटन का अचार बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वैसे ही हल्दी बोलते हैं, मटन की हल्दी। बहुत बढ़िया है, ये है यहाँ देसी साहब। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ चुके हैं जयपुर, और जयपुर में आज हम आए हैं वैशाली नगर में खंगाना लालमास टेक अवे। अंकल का मेरे पास कॉल आया था कि बोले यार हमने हल्दी स्टार्ट किया है, जो सर्दियों में जमने वाला जो मटन होता है ना, जो अपन घर में जमा के रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं सर्दियों के हिसाब से, मटन का अचार बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वैसे ही हल्दी बोलते हैं, मटन की हल्दी। अंकल का कहना ऐसा है कि 2 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 महीने कौन रखता है, अगर आप 5 किलो भी रखेंगे ना तो महीना भर भी नहीं चलेगा, इवन मैं कहता हूँ आपको 20 दिन भी नहीं चलेगा, मटन अपन खा लेंगे, है ना। गाइस वीडियो के एंड तक बने रहें, मजा आएगा आपको, आपको पता चलेगा कि हल्दी किस तरह से बनाई जाती है, फिर उसको आप स्टोर कर लें, जमा लें, अपने घर में रख लें। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं, बात करते हैं अंकल से और बनाते हैं हल्दी। कमन गाइस, ठीक है हुकम? बढ़िया हो? हाँ सर। कैसा चल रहा है हिसाब किताब? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अंकल क्या बना रहे हैं आज बता दो एक बार, हमारे व्यूअर्स को बता दो, वैसे मैंने तो बता दिया, आप भी बता दो। हल्दी बना रहे हैं मटन की, यहाँ जयपुर में बोलते हैं हुकम, जिसे आज वाली जनसंख्या बोल रही है अचार बोलते हैं। अचार बोलते हैं? हाँ सर। तो वो 5 किलो 5 किलो बनाएंगे? हाँ सर। ये आप बोल रहे थे 2 महीने तक इसको जमा सकते हो? हाँ सर। ऐसा है? हाँ सर। 2 महीने तक? हाँ 2 महीना तक, 2 महीना तक जमा लो, और 2 महीना तक पड़े भी रहने दो बाहर। अच्छा। जैसे आज मैंने बनाया हल्दी, तो 2 महीने तक बाहर पड़े रहने दो, पर पानी का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे गर्म करते हैं तो पानी की चम्मच दूसरी लेनी पड़ती है। अच्छा। पानी की चम्मच नहीं लेनी, पानी की नहीं लेनी? हाँ, पानी की लगाई बस बेकार हो जाती है। तो अंकल चलिए हमारे व्यूअर्स को आज दिखाइए आप किस तरह से बनाओगे आप हल्दी। हाँ सर। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। हाँ सर। हल्दी जमाएंगे है ना, तो उसको सूखा भगोला में डाल रहे हैं चूल्हा के ऊपर, ऐसे कर रहे हैं है ना। फिर इसका हल्दी, तो इसमें कोई तेल वेल अभी कुछ नहीं डालना? अभी कुछ नहीं डालना हुकम, इसका पानी मारना है पूरा। अच्छा। ऐसे है जिस... ये 5 किलो बना रहे ना? हाँ सर। नमक डाल रहे हैं, तो अंकल जी इस हल्दी के फायदे तो बताओ थोड़े बहुत। हल्दी का फायदा? वो कम हल्दी सर्दियों में जमाई जाती है। काती, निंसर, पोस, मा तक जमती है, वो 4 महीना जमती है, 4 महीना जमती है तो उनको खाते हैं, क्योंकि हाड़ों में दर्द होते हैं, गोडों में दर्द होते हैं, जोड़ों में, तो इनसे हल्दी से क्या जुड़ जाते हैं। अच्छा। आप लोग बकरा का मटन होता है, हल्दी बोलते हैं इसको गांव में, तो यहाँ बोलते हैं अचार। अच्छा। आप लोग तो इसलिए इनको जमाई जाती है, तो इससे बहुत फायदा होता है। आपने बताया पानी सुखाएंगे तो अंकल जी मोस्टली चूल्हे पे बनता है? हाँ सर, चूल्हे पे अच्छा बनता है हुकम। अच्छा। चूल्हा पर बहुत बढ़िया बनता है, धीरे आँच कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बन जाता है हुकम, चूल्हे का मजा अलग ही है। तो गाइस अभी ये जो पानी छोड़ रहा है ना, उस पानी को सुखा रहे हैं ना अंकल। हाँ। जैसे
पानी में सुखाएंगे ना तो खराब हो जाता है। अच्छा, अगर इसको बना लिया ना तो चम्मच इसकी अलग ही रहेगी दूसरी, आपने उससे काटेंगे और गर्म करेंगे तो फंगस आ जाएगी इसके अंदर। हाँ, पानी रहती है, पानी रहता है, वास आ जाती है। आजकल नई पीढ़ी तो खाना ही नहीं जानती, नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं है कि कैसे खाते हैं, कैसे जमाते हैं, कैसे क्या होता है। अब परिवार बड़ा रहता था, 10 भाई है तो 10 भी हेलमे रहते थे, आ जा रहा तो एक माँ बाप कहीं बेटा नहीं रहना चाहता पहली वाला परिवार ही अलग ही था ना। हाँ, पहली वाला बड़ा परिवार था, रोज को 5 किलो तो सरता ही नहीं था उनके एक टाइम में, ऐसे था। गाय दूध रखते थे, दीना रखते थे, भैंस का रखते थे, खूब घी डालते थे, बढ़िया देसी घी। अब कटे देसी घी, नाव देसी घी हो गया लोगों के पास। सही बात है, बाजार में जाओ घी खरीद लाओ सा, उसका पता ही नहीं घी कौन सा। ये भी घी में बनता है ना? घी में बनता है, घी में भी बनता है, सरसों का तेल में भी बनाता हूँ। अच्छा, वो देख लिया ना आप जैसे ऑर्डर आता है? नहीं, उनका कल आया था, घी का ही बनवा रहे थे वो, फिर उनका जानकार का आगे लड़का का आ गया था फोन। अच्छा, के हमारे सरसों का तेल में बनाओ, ठीक है साहब, अपना क्या लेते हैं। सही बात है, अपन को तो बनाना है। सरसों का तेल में भी बढ़िया बनता होगा ऐसे तो? बहुत अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि सरसों का तेल को गरम कर लो आप। हाँ, गरम करके अलग रख दो। हाँ, ठंडा हो जाएगा सरसों का तेल, जतरा उसका पानी तोड़ लो, फिर उसको डाल दो। साढ़े 700 ग्राम मिर्च ले ली, 5 ग्राम। हाँ हाँ, 350 ग्राम हल्दी ले ली, ठीक है, 2 किलो घी, 2 किलो। हाँ सर, ठीक है, और 50 ग्राम सूप, 50 ग्राम कलौंजी और 50 ग्राम काली मिर्च। काली मिर्च डाल रहे हो तो दोस्तों, काली मिर्च डाल दी इसमें। मटन को वैसे 80% ही गलाती होंगे बस, है ना? हाँ, 20% तो जब खाते टाइम पक जाता होगा। पक जाता है 80%, वो तो अपने आप, जैसे 2 दिन पड़ा रहेगा ना, अपने आप गल जाता है, अपने आप गल जाएगा। घी के लाग आती है ना, घी हल्दी से गल जाता है अपने आप। तो हल्का सा इसको खड़ा रखते हो ना? हाँ, खड़ा रखते हो, अब घी डाल रहे हैं ना। कौन सी असली चीजें आती है तो घी, घी कौन सा असली आ रहा है? हाँ वो तो है ही। हाँ, तो अंकल घी में फैट ही होता है आजकल तो पूरा। हाँ, बहुत आ रहे हैं इसके, अभी दिल्ली से, माउंट आबू, गुजरात से, तो वो हो रहे हैं, तो उनको कोरियर से भी भेजें, और अगर उससे नहीं तो बस स्टैंड, बस के द्वारा भी भेज देंगे। बल्क में कितना बनाते हो? ये 5 किलो बनाते हैं, 5 किलो में हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब जिसको 1 किलो चाहिए तो 1 किलो भी मिल जाएगा उसको। अच्छा, और क्या रेट रहती है? 1500 रुपये के जी है। अच्छा, 1 किलो की। हाँ, मैं बल्दी डाल रहा हूँ। डालिए अंकल, 350 ग्राम हल्दी है ना अंकल? हाँ सर। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज है जो मतलब आपने, आपको मार्केट में तो कहीं नहीं मिलेगी, ये तो एकदम प्योर देसी खाना है एकदम, ये मान लो आप। अगर आप मटन के शौकीन हो, नॉनवेज के शौकीन हो, तो ये चीज़ एक बार ट्राई करनी तो बनती है। जैसे दो आदमी खा रहे हैं। हाँ, तो दो आदमी गिलास पानी, 2 गिलास पानी का गरम कर लो, पानी उकल जाए उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दो, धनिया पाउडर उकलने बाद में उसमें से 2-4 पीस और इसका मसाला होता है ना साथ में, वो लपटवा लेके उसमें डाल दो, डालने बाद में वो उकल जाए ना, जब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल, पेस्ट डालने बाद में उतार के खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी डाल रहे हैं 750 ग्राम। हाँ, 500 ग्राम के लगभग डालिए। हाँ, अलते 500 डाल दिए, वो डालूंगा। तो ये मिनिमम कितना बनता है? 1 किलो बन जाता है?
एक किलो बनता है पर उसमें मेहनत खूब होती है, मेहनत ज्यादा है उसमें, मेहनत होती है उसमें, बैठता नहीं है तरीका से। अच्छा, उसमें मसाला बराबर नहीं बैठता ना, मिर्च मिनिमम 2 किलो, हाँ 2 किलो तो होना ही चाहिए। हाँ मिर्ची और डाल दो। तो 650-650 ग्राम हो गई। आकलन जी डाल, वही प्रॉपर जो देख सकते हो आप, प्रॉपर हल्दी जमाई जा रही है यहाँ पर, मतलब अभी तो बनाई जा रही है फिर जमाया जाएगा। और क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है घी की और मटन की, फ्रेशनेस की। अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हैं? सही बात है अंकल। हो गया अंकल ये? हो गया, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो डब्बों में डाल दूंगा। अच्छा ऐसे, बाकी बन के रेडी है ना? हाँ रेडी हो गया। ये परसों के दिन जमाया था, परसों? हाँ बुधवार को। अच्छा, और ये इस तरीके से हो जाता है, आप देख लीजिए। ओ भाई, मतलब ये पूरा अंदर तक जमा हुआ है ना? जमा हुआ है, ये देखो दोस्तों जमाव दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे भी आप सर्व कर रहे हो क्या? नहीं, यहाँ तो क्या लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, कि इस तरह से बना हुआ रहेगा। अब ये देखो भाई इसकी रंगत एक बार आप चेकआउट करो, बहुत ही शानदार लग रहा है भाई, क्योंकि ये हल्दी है ना, हल्दी का कलर इसके ऊपर खिल के नजर आ रहा है। ये देखो होए 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 होए, बेहतरीन यार, बहुत बढ़िया यार। ये है भाई देसी साहब, ये देखो भाई, मैं तो मेरे लिए पैक करवा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो आप भी पैक करवाना तो ऑर्डर देके बनवा लेना, और मैं तो इसको बढ़िया जमा के फिर खाने वाला हूँ, और तभी मज़ा आएगा, है कि भैया? हाँ भैया, मज़ा भी तभी आएगा। ये देखो भैया, तो ये तो अपन ने अपने लिए पैक करवा लिया भाई। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, इटली से आपका वीडियो देख के बहुत लोग पधार रहे हैं। अच्छा, बाकी अपने इंडिया के अंदर से तो आप भी रहे, गुजरात से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बॉम्बे, चेन्नई, अंकल आ रहे हैं सब? सही बताओ, सही में आ रहे हैं? बोल रहे हैं कि हमने वहाँ वीडियो देखा और हम यहाँ से आते हैं, रवाना होते हैं ना, तो कहते हैं कल आएंगे हम जयपुर में तो आपका खाना खा के जाएंगे। वो क्या है कि घूमने के लिए निकलते हैं, राजस्थान आना होता है बॉम्बे या दिल्ली वालों का, तो यहीं पे आके चले जाते हैं, तो मजा आ गया अंकल। बहुत लोगों को खिलाया, लेडीज हो बच्चे हो सबने खा के बोला बहुत बढ़िया। तभी ये कुर्सी उर्सी वाला सेटअप डाल दिया आपने? हाँ। चलो बढ़िया है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट करके बताना, मेकिंग कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। अंकल ने बनाया बहुत शानदार लगा मेरे को दिखने में, मैंने पैक करवा लिया है घर के लिए, घर पे जाऊंगा इसको स्टोर करूंगा आराम से, सुबह खाऊंगा, क्योंकि अंकल ने बोला कि इसको थोड़ा सा आप जमाओगे ना, थोड़ा हल्का फुल्का मतलब ठंडा होने दोगे ना, उसके बाद क्या है और अच्छे से निखर के आएगा ये पूरा। तो मैं इसको लेके जाता हूँ घर पर, आराम से इन्जॉय करूंगा। आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो अंकल को ऑर्डर दे सकते हो, नहीं तो वीडियो देख लिया आपने पूरी, बना के देखो खुद घर पे। मैं मिलता हूँ आपको किसी और जगह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच गाइस।